सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए। नमस्कार, द फ्रंट में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपाली श्रीवास्तव। आज और अभी में देखिए मेरे साथ देश दुनिया की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते अमेरिका दौरे पर जा रहे हैं, जहां उन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करना है। दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी का ये पहला अमेरिकी दौरा है। यूएनजीए में संबोधन से पहले प्रधानमंत्री टेक्सास के ह्यूस्टन में एक बड़े इवेंट में शामिल होंगे, जहां वे 50,000 से ज्यादा लोगों को संबोधित करेंगे। खास बात ये भी है कि इस कार्यक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल होने जा रहे हैं। राम जन्मभूमि मामले को आपसी रजामंदी से सुलझाने की एक और कोशिश की जा रही है। इस सिलसिले में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड और निर्वाणी अखाड़ा ने एक बार फिर मध्यस्थता की मांग की है और सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त मध्यस्थता पैनल के अध्यक्ष जस्टिस कलीफुल्ला को पत्र लिखा है। रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम पक्षकारों में से कुछ का मानना है कि राम जन्मभूमि हिंदुओं को देने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इसके बाद हिंदू किसी अन्य मस्जिद या ईदगाह पर दावा नहीं करें। हालांकि सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील इस बात से इनकार कर रहे हैं कि इस तरीके का कोई पत्र भेजा गया है। एयर इंडिया को वित्त वर्ष 2018-19 में 8400 करोड़ रुपए का जबरदस्त घाटा हुआ है। एयर इंडिया लंबे समय से पैसों की कमी से जूझ रही है। ज्यादा ऑपरेटिंग कॉस्ट और फॉरेन एक्सचेंज लॉस के चलते कंपनी को भारी घाटा उठाना पड़ा है। बढ़ते तेल के दाम और पाकिस्तान के भारतीय विमानों के लिए एयर स्पेस बंद करने के बाद कंपनी को रोज 3 से 4 करोड़ रुपए का घाटा उठाना पड़ रहा है। कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि जून की तिमाही में सिर्फ पाकिस्तानी एयर स्पेस बंद होने की वजह से एयर इंडिया को 175 से 200 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग लॉस हुआ है। 5वें ने लंदन के द ओवल मैदान पर खेले गए एशेज सीरीज के 5वें और अंतिम टेस्ट के 4थे दिन ऑस्ट्रेलिया को 135 रनों से हरा दिया। इस जीत के बाद इंग्लैंड की टीम 5 मैचों की एशेज सीरीज 2-2 से ड्रॉ कराने में सफल रही। हालांकि एशेज की ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया ने अपने पास बरकरार रखी है। ऑस्ट्रेलिया ने पिछली बार एशेज सीरीज जीती थी, इसलिए ये एशेज ऑस्ट्रेलिया के पास ही बरकरार रहेगी। बॉलीवुड के दिग्गज फिल्म एडिटर संजीव कुमार दत्ता का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उन्होंने दौर, मर्दानी, इकबाल और एक हसीना थी जैसी फिल्मों के लिए काम किया था। संजीव पिछले कुछ वक्त से कोलकाता में रह रहे थे। उन्हें हार्ट संबंधी दिक्कतें थी। संजीव ने 80 से ज्यादा हिंदी और बंगाली फिल्मों के लिए एडिटिंग की है। उनकी मौत पर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने दुख जताया है। ये थी अभी तक की बड़ी खबरें। देश दुनिया के हर बड़े मुद्दे पर हमारे एक्सपर्ट्स की राय जानने के लिए देखते रहिए द फ्रंट। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए।